दोस्तों, हवाई बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस जिनकी अदाएं 90 के दशक में खैर डाती थी, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई नामी अभिनेताओं के साथ काम किया और जिन्हें अमिताभ बच्चन की दूसरी पत्नी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेखा की, जिनकी रियल लाइफ विवादों से भरी पड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी जिंदगी में कई मर्दों से बिछड़ने के बाद अपने शरीर की भूख इतने लंबे समय तक किस आदमी का इस्तेमाल करके मिटाती आ रही हैं? दोस्तों, इस बात से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि अपनी जवानी के दिनों में रेखा की नज़र जिस जवान मर्द पर पड़ जाती थी, उससे वे अपने शरीर की भूख शांत करवा कर ही दम लेती थी, चाहे फिर वह अक्षय कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन। लेकिन आज हम आपको रेखा की जिंदगी का एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। रेखा और विनोद मेरा की शादी के दौरान हुआ एक ऐसा किस्सा जो आज भी प्रचलित है। जब ये दोनों शादी करके कोलकाता पहुंचे तो रेखा का स्वागत चप्पलों से किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि रेखा की सास कमला इस शादी से बेहद नाराज थी। और जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी तो रेखा की सास ने उन्हें तुरंत धक्का दे दिया और उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल तक उठा ली थी और घर से भी निकाल दिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेखा के माथे का सिंदूर आज भी राज बना हुआ है और लोग जानना भी चाहते हैं कि रेखा आखिर किसके नाम का सिंदूर लगाती है। कुछ लोगों का मानना है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती है। अब बात आती है सेक्रेटरी फरजाना और रेखा के संबंध की। आपको बता दें कि रेखा को अक्सर इस लेडी के साथ देखा जाता है। कुछ मैगजीन्स ने तो रेखा के बाइसेक्सुअल होने का भी दावा कर दिया है। दरअसल रेखा और फरजाना के संबंधों को लेकर अक्सर अटकलें लगाई जाती हैं। खबरों के मुताबिक रेखा के नाजायज संबंध उनकी सेक्रेटरी फरजाना से हैं।